देखिए आज की हमारी सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है एस्ट्रॉयड यानी धूमकेतु। आज और कल में आप लोग एक बृहद न्यूज सुने होंगे समाचार कि बहुत बड़ा एस्ट्रॉयड यानी धूमकेतु उल्कापिंड पृथ्वी से टकराने वाला है या पृथ्वी के आसपास से गुजरने वाला है और अमेरिका या विश्व के कहीं बहुत बड़ा रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है आपका नासा। ये तो बहुत ही अनुसंधान कार्य में शामिल है लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि गांव में लोग कहता है कि ये नाशकृति है, नाश करने वाला है, तो मैं तो कहूंगा ये भी नाशे करने वाला है नासा, क्योंकि इनके कुछ विचार ऐसे आते हैं जो अविश्वसनीय लगते हैं, समझ में ही नहीं आता कि वहां वैज्ञानिक भी बैठते हैं या केवल पियक्कड़ बैठते हैं। छोटी मुंह बड़ी बात मैं नहीं बोल रहा, वो भी अध्ययन करते हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग बैठे हैं। अंतर इतना है कि वो लोग दो चार घंटा पढ़ता होगा, हम लोग 16 घंटा आज भी पढ़ते हैं। वे अंतर इतना है कि वे लोग दारू मदिरा और मांसाहार व्यभिचार में शामिल होकर अनुसंधान करता होगा, हम लोग पूजा पाठ करके अनुसंधान में लगे रहते हैं। ये जरूर है कि हमारे पास वैज्ञानिक उपकरण की कमी है, उनके पास वैज्ञानिक उपकरण ज्यादा है, लेकिन इतना मैं दावे के साथ कहता हूं कि उनके सभी खोज सही नहीं है, नासा के सभी खोज सही नहीं है। कारण इसके पीछे है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मैं 1980 से होश में हूं पूरी तरह और आज 42 साल हो गए, हमने उसके हर दावे को देखा जो गलत साबित हुआ और आज भी इसी प्रकार की वो दावे करके विश्व को भय के माहौल में जीने के लिए बाध्य करता है। लोग डर जाते हैं, छोटे बच्चों पर इसका प्रभाव पड़ता है। अभी कह रहा है कि पृथ्वी के पड़ोस से बहुत बड़े बड़े उल्का पिंड गुजरेंगे, हो सकता है पृथ्वी से टकरा जाए और पृथ्वी का समूल नष्ट हो जाए। और उदाहरण भी देता कि यहां डायनासोर थे, बड़े बड़े जीव, और ऐसे ही उल्का पिंड गिरे तो डायनासोर समाप्त हो गए। अब हम लोग डर जाते हैं कि भैया जब डायनासोर नहीं रहा तो हम कैसे रहेंगे। डायनासोर की परिकल्पना इतना बड़ा बड़ा बनाता है, कुछ उसके अवशिष्ट हड्डियों को भी दिखाया जाता है, थे भी डायनासोर, ऐसा नहीं कि नहीं थे, एक जीव थे, जो नाम दीजिए, अब डायनासोर नाम दीजिए, भीम कायता नाम दीजिए, जो नाम दीजिए, लेकिन कोई ना कोई बड़े बड़े जीव थे। प्रकृति का नियम है परिवर्तन, वो परिवर्तन करते गए, लेकिन ये कहना कि उल्का पिंड से जीवन समाप्त हो जाएगा और जीव विहीन पृथ्वी हो जाएगी, तो शायद नासा को ये भी कहना चाहिए साथ में किस पृथ्वी पर 24 घंटे में हजारों उल्का पिंड गिरते रहते हैं, हजारों, एक नहीं गिरता, लेकिन ये सभी उल्का पिंड वायुमंडल के ऊपरी परत तक आते आते वायुमंडल के जैसे ही अंदर प्रवेश करते हैं, आपको पता है कि 6000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल छिन्न अवस्था में है,
काफी कम सघन है, लेकिन जैसे ही 6000 किलोमीटर से वो नीचे प्रवेश करता है, इतनी तीव्र घर्षण होती है कि उसमें आग लग जाता है और वो घर्षण जारी रहता है। ऐसी स्थिति में बहुत से उल्कापिंड वायुमंडल के ऊपर ही जलकर राख हो जाते हैं, और जब जलकर वो राख हो जाते हैं तो फिर उनके केवल धूल कण बादलों के कण के साथ या जल के वर्षा के साथ सतह पर आते हैं, वो पृथ्वी पर सीधे नहीं आते, और अगर आते भी है तो बहुत बड़ा समंदर है, करीबन जल 71% पर वैज्ञानिक ही बताए हैं कि फैला है, वहां गिर जाएगा। और शायद पता होगा कि जल में किसी भी वस्तु का वेग क्या होता है, कम हो जाता है, जल उनके दबाव को सह लेता है, लहरों पर उसको फैला देता है। तो फिर जल क्षेत्र में अगर गिरेंगे, जब हमारे प्लेट से सीधे तौर पर उल्का पिंड नहीं टकराएंगे तो क्षति की क्या संभावना है। अगर गिरे भी तो मान लीजिए कि बड़े बड़े उल्का पिंड गिरे, कमन सेंस आप लोग सोचिए कि बड़े बड़े अगर उल्का पिंड आते हैं 2 किलोमीटर का, 4 किलोमीटर का, 5 किलोमीटर का, तो वैसे स्थिति में क्या गारंटी है कि वो स्टडी पॉइंट पर ही गिरे, क्या गारंटी है कि वो हमारे किसी शहर पर गिरे। ज्यादातर तो वे ध्रुवीय क्षेत्र पर गिरेंगे, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण का मान सबसे ज्यादा पृथ्वी पर कहां है, ध्रुव पर है, सब जानते हैं, और ध्रुव पर कोई आबादी ही नहीं है। तो जब ध्रुव पर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा है तो फिर पृथ्वी को क्षति कहां होने जा रही है। और अगर बर्फ पर वो गिरते भी हैं तो वायुमंडल के घर्षण से अगर गर्म है तो ये तो पृथ्वी के लिए फ्रूटफुल है ना, कि वो गिरेंगे तो बर्फ वहां का क्या होगा, कुछ हल्का फुल्का पिघलेगा और जल का बहाव होगा, आसपास के क्षेत्रों में शुद्ध जल की पूर्ति होगी। तो ये कहना कि बहुत बड़ा एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराने वाला है, एक विश्व को इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के विस्तार में ऐसे न्यूज को वायरल करना या अपने अनुसंधान को बेवजह फैलाना, जिससे बच्चों में भय की स्थिति उत्पन्न होना, साथ में उनको व्याख्या भी देना चाहिए कि एस्टेरॉयड गिरने वाला है, पृथ्वी के बगल से गुजरता है, गुजरते पहले भी गुजरे हैं, जब आज तक जीवन समाप्त नहीं हुआ, मनुष्य जीव के त्यों बना हुआ है, तो कुछ मनुष्य को खतरा नहीं है। साथ ही छोटे छोटे बच्चे घरों के पूछ रहे हैं, पापा एस्टेरॉयड जो है ये क्या होता है, इतना तक तो बता दें, अब तो ये पृथ्वी से टकराएगा, समझाते हम लोग नहीं। वो कहते नहीं, नासा तो कहां है टकराएगा, अब जब टकराएगा तो पढ़ने से क्या फायदा, अब तो हम लोग मर ही जाएंगे, वो पढ़ाई बंद कर दे रहे हैं, भय के माहौल में जी रहे हैं, कब टकराएगा, कितने बजे टकराएगा, हम लोग सो जाते हैं, सोए नहीं कुछ हुआ पता नहीं चलेगा, गजब की स्थिति है। मैं थोड़ा सा बताने जा रहा कि कोई भी, ये मेरी गारंटी है पूरे अनुभव और पूरे अध्ययन के साथ, मैं कोई अज्ञानी शिक्षक नहीं हूं कि आप लोगों के सामने वही सोशल मीडिया पर आकर ये दावा करो और गलत सलाह तनाव सलाह वक्तव्य दो। कभी भी किसी भी शर्त पर कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी से टकरा कर पृथ्वी के जीवन को समाप्त नहीं करेगा, प्रमाण मैं दे रहा हूं कैसे, और कभी भी पृथ्वी से जीवन समाप्त नहीं होगा और नहीं मनुष्य कभी समाप्त होगा। इसलिए इतनी चिंतित रहने की आवश्यकता नहीं है। अब कारण देखेंगे, इस तस्वीर पर आकर आपको दिखा रहे हैं। देखिए उल्का पिंड होता क्या है, सबसे पहले वह सूक्ष्म पाषाण खंड, ऐसे ब्रह्मांड की तुलना में हम लोगों से तो खैर बहुत बड़ा होता है वो,
जो ऐसा माना जाता है कि सूर्य के ऊपर जिस समय में नाभिकीय संलयन की क्रिया हो रही थी, यानी सूर्य में विस्फोट हुआ और ये सारे जो है ग्रह उपग्रह क्षुद्र ग्रह बने, उसी दौरान कुछ ऐसे पैकेट्स और बम जो बहुत दूर निकल गए, वह देख रहे हैं यहां छोटे छोटे डब्बे के रूप में दिखाई पड़ रहे हैं। ये छोटे छोटे प्रकाश के रूप में आप देख रहे हैं। सूर्य भी अपने आकाश गंगा का घूर्णन कर रहा है, अपने अक्ष पर घूर्णन कर रहा है और आकाश गंगा का परिक्रमण कर रहा है, स्थिर रहेंगे। तो जब सूर्य जब अपने आकाश गंगा को घूम रहा है तो जो ये पिंड हटे हैं, अगर वहां जा रहा है सूर्य, तो वैसी स्थिति में ये जितने भी पिंड निकले हैं सूर्य से वो सब पर गिरते हैं। एक ध्यान रखिए, वे सूर्य पर भी जाते हैं, वे आपके मरकरी पर भी गिरते हैं, वे आपके शुक्र पर भी गिरते हैं, यानी वेनस पर, पृथ्वी पर भी गिरते हैं, इस ढंग से आपके मंगल पर भी गिरते हैं, वहां पड़ते हैं। अब रहा, आप सोचिए थोड़ा सा कि अगर बड़ा पिंड हुआ, बहुत बड़ा पिंड, लोग कहते हैं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बड़ा, तो दो हमें सिद्धांत आपको देते हैं। एक, आप देखिए यहां कि यह आपका बुद्ध है, ठीक बुद्ध के बीच में क्या है आपका, और पृथ्वी के बीच में शुक्र है, और शुक्र के जस्ट बगल में यह क्या है, उपग्रह चंद्रमा है, और ठीक यहां देखिए आपका क्या है, मंगल है, और यहां पर क्या है, बृहस्पति। अब आप सोचिए कि कोई भी पिंड अगर चला, ये उल्का पिंड के उछल तारा का उदाहरण है, ये कोई भी अगर इसको मान ले हम इधर गिर रहा है, इसी की दिशा अगर इस साइड पृथ्वी पर दे दे, तो सीधी सी बात है कि जिधर गुरुत्वाकर्षण का मान ज्यादा होगा, आकर्षण का मान ज्यादा होगा, पिंड उधर जाएगा। एक छोटा सा चुंबक ले लें और चुंबक के तरफ हम अगर किसी चुंबकीय पदार्थ को ड्रॉप करें, गिराएं, और उसके बगल में बड़ा चुंबक हो, तो क्या छोटे चुंबक की ओर आकर्षित होगा कि बड़े चुंबक की ओर आकर्षित होगा, बड़े चुंबक की ओर आकर्षित होगा। तो यहां ऑलरेडी बृहस्पति है, तो जो भी कोई उनका पिंड आएगा वह पहले कहां जाएगा, बृहस्पति पर जाएगा। बृहस्पति के जस्ट बगल में क्या है, और बुध आपके पृथ्वी के बगल में क्या है, शुक्र है। तो इतने आकाश पास में आपके ग्रह है, क्या ये उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर लेगी, ये सबको छोड़ के पृथ्वी पर ही क्यों आएगा, ये समझ से पड़े। तो मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी एस्ट्रॉइड अगर बहुत विशाल खंड का होगा और उसकी दिशा यदि पृथ्वी की तरफ ही होगी, तो ध्यान रखेंगे कि ये सबसे पहले बृहस्पति पर जाएगा, शनि पर जाएगा, न कि पृथ्वी पर आएगा, यहां जाएगा और यहां जाएगा। यानी पृथ्वी पर बड़े बड़े कोई भी एस्ट्रॉइड नहीं आएंगे, ये एक कोरी कल्पना है और केवल एक भय के माहौल है, ताकि लोग जो है उस पर विश्वास करें कि भाई नासा बैठा नहीं है, उनके लिए सारा विश्व जो अनुसंधान के लिए दे रहा है, वहां के वैज्ञानिक बैठे बैठे नहीं पा रहे हैं, बैठे बैठे नहीं ले रहे हैं, बल्कि कुछ ना कुछ कर रहे हैं। हकीकत है कि जब नासा नहीं था तब भी पृथ्वीवासी थे, जी रहे थे, आज नासा बन गया है, तो तरह तरह के भय के माहौल उत्पन्न करके अपने बेहतरीन वैज्ञानिक अनुसंधान का प्रयोग न करके सामान्य अनुसंधानों के आधार पर विश्व में भय का माहौल बना रहा है। कभी भी मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं कि कोई भी
चीज नहीं है जो आपको पृथ्वी को क्षति करने के लिए ब्रह्मांड से आ जाए। पृथ्वी की आयु कोई सामान्य नहीं है। वैज्ञानिक अनुसंधान किए हैं कि ये 4.6 अरब वर्ष पुरानी है, और 4.6 अरब वर्ष अगर पुराना है पृथ्वी, जीवन में यहां गुणोत्तर वृद्धि हो रही है, तो एक उल्का पिंड के आने से यह पूरी तरह समाप्त हो जाएगी, ऐसी कोई संभावना नहीं। अगर मनुष्य पृथ्वी पर जीवन को समाप्त करने के लिए कदम नहीं उठाएगा तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं। एक और वायरल न्यूज मैं देख रहा हूं, तो पहले ये खंडन आप समझ गए कि आप सोचिए कि यहां से उल्का पिंड आएगा तो ये इधर जाना पसंद करेगा, इधर जाना पसंद करेगा, या इससे भी पिंड इधर जा कि सबको छोड़ जा के पृथ्वी को खोजेगा। सांप है क्या कि बीज खोजेगा? कहां दिखाई पड़ रहा है कि इधर नहीं जाएगा वो? इसलिए ये भय के माहौल को मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से समाप्त हो जाए। जहां जाइए कि किसी भी परिस्थिति में कोई भी उल्का पिंड पृथ्वी पर आने नहीं जा रहा है। सिंपल छोटे मोटे आते रहते हैं, वो पृथ्वी के ऊपरी भाग में सतहों पर थोड़ा सा तत्वों में भिन्नता लाने की कोशिश करते हैं, कंपाउंड्स में भिन्नता लाने की कोशिश करते हैं। इससे पृथ्वी में ऊर्जा शक्ति बढ़ती ही है, कोई इसमें अंतर नहीं पड़ता, कमी नहीं आती। वायुमंडल इतना ज्यादा है, इससे घर्षण करके वो जल जाएंगे। और अगर छोटे मोटे पैकेट्स भी कहीं गिरे तो उतना तो रोड एक्सीडेंट में हम लोग चले जाते हैं, हम लोग लापरवाही से गाड़ी चलाते हैं, उस एक्सीडेंट में हम लोगों की आबादी क्षति हो जाती है। तो अगर छोटा मोटा ऐसे ही घर कमजोर बनाते हैं, पुल गिर जाता है, नाव डूब जाते हैं, उस क्षति के लिए पूरे विश्व में की नाव से यात्रा करने वाले आज 30 लोग मरने की संभावना है। रोड एक्सीडेंट से आज 150 लोग मरने की संभावना है। भय के माहौल बनाने की क्या जरूरत है? और कुछ नहीं है, अनुसंधान करो। तो इस तरीके से ये एस्ट्रॉइड पर अभी एकदम गिरेगा, ये भी सही है, पृथ्वी के बगल से जाएगा, ये भी होता है। और वो जाते रहते हैं खगोल में, ब्रह्मांड में तनी मनी खगोलीय पिंड नहीं अनगिनत है। जब ऑलरेडी ये कहा गया कि तारों का मंडल जो है 89 तारा मंडल है, अब सोचिए कि एक तारा मंडल में 10 पर पावर 10 तारे होते हैं, यानी 10 को 10 बार गुना कीजिए उतने तारे होते हैं। 39 तारा मंडल है तो तारे कितने? ये तो तारे है नहीं, तारा तो उसको कहते हैं जिसके स्वयं का नेचुरल रूप से लाइट हो। तो पृथ्वी यानी सूर्य मंडल में तो एक ही तारा है, और ऐसे तारे जब अभी तक ज्ञात है कि 10 पर पावर 23 है, इतना तारा का नामकरण कर लिया गया है, नाम रख दिया गया है। तो जब स्टार इतने हैं काउंटेड, तो पिंडों की तो खैर पूछना ही नहीं कि कितने पिंड इस ब्रह्मांड में हो। अब इस पर लगातार गिरते रहते हैं और आश्चर्य करेंगे, 6000 जो है धूमकेतु पृथ्वी पर प्रतिवर्ष गिरते हैं। प्रतिवर्ष पृथ्वी पर वे 6000 धूमकेतु आता है। अब जब एस्ट्रॉइड पृथ्वी पर उल्कास में या उल्का पिंड आता है और कुछ हद तक क्षति किसी को नहीं हुआ, तो फिर ऐसी स्थिति में एक नए भय के माहौल बनाने की जरूरत नहीं है। निश्चिंत रहे आप, ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा है। फिर आपको आज शाम को बताएंगे कि ये अमेरिकन का जो भय का माहौल बनाया जा रहा है और फिर प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, ये क्या है? और ये वैज्ञानिकों का, उद्योगपतियों का एक खेल है। सिंपल एक प्रशासन के टॉपिक पर थोड़ा सा मैं आ रहा हूं, इससे समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे आप। यहां देखिए, मैं अगर इस टॉपिक पर आऊं तो देखेंगे आप कि प्रशासन एक नई खेल और खेल रही है। प्रशासन का जो नया खेल है, इसमें राजनीति प्रशासन के गठजोड़ की स्थिति है। आप लोग देखे होंगे रिक्शा को, एक चक्का होता है, ऐसे ही दूसरे चक्के होते हैं उसके,
और ठीक है, इसमें जो है एक तीसरा चक्का भी होता है, ठीक है। और फिर इसमें क्या होता है, हंडिल होता है, जिसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं, लोग बैठकर इस पर सीट हो जाता है और फिर लोग बैठकर इस पर चलाता है। इसी तरह राजनीति के तीन स्तंभ है या भारतीय प्रशासन के, एक चक्का को मान लीजिए आप यदि कार्यपालिका, किसी को मान लीजिए न्यायपालिका, और चलाने के काम में मदद करता है आपका विधायिका। ये प्रशासन के एक रिक्शा। लेकिन आपको पता है ना कि ये तीनों स्तंभ रिक्शा स्थिर अगर रख देते हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही रिक्शा को, टेम्पो को चलाना थ्री व्हीलर को शुरू करेंगे, देखिएगा या तो कभी बाएं काटेगा या कभी दाएं काटेगा, सीधा नहीं चलता, किधरों न किधरों खींचेगा, तीन चकवा ही, चार चकवा नहीं। हमारे भारत के प्रशासन में ऐसे तीन चक्के, कभी बाएं खींचते हैं तो कभी दाएं खींचते हैं। अब इसमें ड्राइवर मथा हुआ होना चाहिए, ये ड्राइवर होता है आपका अस्थायी कार्यपालिका, यानी कि प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल या मुख्यमंत्री, ठीक, ये दो होता है इसका ड्राइवर। अब ड्राइवर को भी ये प्रशासन तीनों स्तंभ आगोश में लेने का प्रयास करता है। अब लंबे समय तक अगर किसी भी प्रधानमंत्री को किसी सत्ता में आप रख देते हैं तो इस तीन चक्के से वो प्रभावित हो जाता है। इसलिए अब देखे होंगे विकसित देशों में प्रतिबंध लगाया गया, अमेरिका जैसे देश में देखे कि ट्रंप जैसे राष्ट्रपति को दोबारा नहीं बनने दिया गया। क्यों? कारण था कि समझ गया अमेरिका कि ऐसा व्यक्ति अगर राष्ट्रपति दोबारा बनता है तो अव्यवस्था उत्पन्न कर देगा, अमेरिका पिछड़ सकता है, क्योंकि उसके समय में उत्तर कोरिया की बोलबाला बहुत बढ़ गई थी, आप लोग देखे होंगे। तो इस तरीके से उसने उसको क्या कर दिया, हटा दिया वहां की जनता। यहां ऐसा नहीं है, एक मुख्यमंत्री सात सात बार मुख्यमंत्री बनता है, सात बार शपथ लेता, हमारा बिहार है 22 साल एक मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में रह जाते हैं, केंद्र में देखते हैं दो दो बार प्रधानमंत्री, तिवारा में बनने की तैयारी चल रही है, ये क्या है? यानी निश्चित ही रूप से नासमझ देशों में होता है। अमेरिका में कानून है कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने बार प्रधान राष्ट्रपति बनेगा, दो बार, वो कुछ भी हो जाए, कितना हो योग्य हो, तिवारा राष्ट्रपति नहीं बनेगा, एक नए व्यक्ति, ताकि वो तीन चक्के से प्रभाव में ना आए। इन तीन चक्के से प्रभाव में आ गया तो सत्ता नहीं चलेगी। लिखवा लिखवा के हम तो खुद देखे हैं कि एक हमारे परिचित महिला थी, उसका जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग था, अब पति के साथ रहना चाह रही थी तो 500 घूस देकर कोरोना पॉजिटिव करवाई, और कही कि लिख दीजिए डॉक्टर, तो कहे कि ठीक है हम लिख देते हैं कोरोना पॉजिटिव, कोरोना पॉजिटिव करवाई और उसको छुट्टी मिल गया 20 दिन का। तो ये सब प्रशासनिक पदाधिकारी को आराम करने का तरीका है। 2 साल हो गया, कोई महामारी इतना लंबा नहीं चलता, इसके लिए गवर्नमेंट को चंद्रयान तृतीय मिशन करने की जरूरत नहीं है, चीन को नया सूर्य बनाने की जरूरत नहीं है, अमेरिका को मंगल को खोजने की जरूरत नहीं है। अगर बीमारी हो रही है तो ऑक्सीजन प्लांट बढ़ाओ, एंटीबायोटिक बढ़ाओ और इन सब दवाओं को मुफ्त में अवेलेबल कराओ। गवर्नमेंट जब आप देखे होंगे कि ये घोषणा की थी कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त इलाज का कार्ड बनवा रहे हैं, हेल्थ कार्ड, तो आज हेल्थ कार्ड कहां गया? तो इसलिए इन वैज्ञानिकों पर ज्यादा विश्वास नहीं करना है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा गठजोड़ चल रहा है और इसमें आप लोगों के जीवन को, जनता के जीवन को एक भय के माहौल बनाकर समाप्त करने की कोशिश है। केवल मजदूर और मजदूर बनाना है, अधिकारी आराम करें और फरमाए बढ़िया से स्कूल बंद कर दो, मास्टर के वेतन मिलेंगे, कोचिंग बंद कर दो, बच्चे बैठकर मोबाइल देखेंगे, मोबाइल से कंपनियों को इनकम होगा,
जीबी रिचार्ज कराएंगे, उसे कंपनी को उस पर प्रचार ऐड आएगा, उससे माल खरीदेंगे और इधर से दो ही ग्रुप रह जाएगा अब सीधे, एक उत्पादक प्रशासन ग्रुप और दूसरा ग्रुप उपभोक्ता ग्रुप। ये विश्व का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, उससे बच कर रहना है, काम में लगे रहना है। हाँ, अगर बीमारी होगा भी उतनी जानकारी तो मुझे नहीं, तो बस स्वास्थ्य के लिए बचकर मास्क लगाना है, हल्की फुल्की सैनिटाइजर का प्रयोग करना, लेकिन काम बंद नहीं करना है। धन्यवाद, नमस्कार। माझी को हुआ, उनके परिवार को हुआ, या फिर फलना मंत्री को, चिन्ना मंत्री को सही ढंग से जांच किया जाए तो छुट्टी लेने का एक तरीका है। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े अधिकारी झूठो कोरोना को पॉजिटिव करवा के 14 दिन सूत रहे हैं, ट्रीटमेंट का बेनिफिट उन्हें अलग मिल रहा है और साथ ही साथ उनको 14 दिन कम से कम जनता के दोहन से, जनता के सेवा से, आराम में, ठंडा में, रजाई में घुसियाने का वक्त मिल रहा है। तो इस वक्त के लिए, वक्त समझते हैं ना, आराम का वक्त ठंडा के दिन में, लगन में भी फिर देखिएगा कोरोना फैले। इजारा में सोच रहे हैं कि इन्हें खरमाश में वक्त आराम फरमा ले, उन्हें लगन आएगा तो फिर आराम फरमा ले, जो कोरोना के कारण कोरोना के नेवता। अब ये जो है अभी आपको चल रहा है, जो आपके अमेरिकन के बारे में, इसमें आपको 3 चीजें एक साथ जुड़ गई है। एक आपको जुड़ गए हैं सबसे ज्यादा वैज्ञानिक, और वैज्ञानिकों को अनुसंधान करने के लिए नया कुछ भी नहीं मिल रहा है। वो देख रहे हैं कि आबादी विश्व की बहुत बड़ी है और इस आबादी को आसानी से कोई चीज बेवकूफ बना के विदाउट एनी बार्गेनिंग दिया जा सकता है, तो वो चीज है दवा। अगर आप शॉल दोगे, अगर आप साइकिल दोगे, मोटरसाइकिल दोगे, फोर व्हीलर दोगे तो बार्गेनिंग करेंगे, कहेंगे इतना में नहीं लेंगे, इतना में लेंगे, लेकिन दवा में बार्गेनिंग कोई करेगा? एक अगर मान लीजिए किसी बिकोसिल टेबलेट का दाम 1 रुपया है तो क्या आप कहेंगे नहीं भैया उस कंपनी का तो बिकोसिल सस्ता है, उस कंपनी का सस्ता है, वो नहीं लेंगे, थोड़ा कम कर दो? तो जान गए हैं कि कौन से प्रोडक्ट जो है वो इस पर जनता बार्गेनिंग नहीं करेगी, जो दाम प्रिंट कर दो वो देने के लिए बद्ध है, वो उनके अनुसंधान है दवा। और दवा कब बिकेगा? जब बीमारी होगी। जब क्या होगी? बीमारी होगी। अब बीमारी जबरदस्ती तक किसी को अब झुरबुत्ती नहीं करवा सकते हो, किसी को लूज मोशन तो नहीं करवा सकते हो, तो चलो एक अदृश्य बीमारी का